तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखते हैं आपसे सरोकार और बनेगी आज की सुर्खियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं चुरू से आ रही इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर के साथ। दरअसल चुरू जिले की राजगढ़ तहसील में मांगला जोड़ी के पास पुलिस एनकाउंटर में गोली लगने से एक डकैत घायल हो गया। आरोपी डकैत लक्ष्मी उर्फ लक्ष्मी चंद कश्यप यूपी के जिला गाजियाबाद का रहने वाला है। आरोपी के गोली लगने पर दोनों पैरों में उसमें घुटने में आर पार हो गई। घायल बदमाश को फिलहाल चुरू के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने डकैती के इस मामले में 5 बदमाशों को बापर्दा गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी लक्ष्मीचंद घायल है। बता दें कि चुरू एसपी ने डकैती की इस वारदात में आरोपियों की धरपकड़ के लिए 9 टीमों का गठन किया था, जिनमें 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी और जवान शामिल थे। तो चुरू जिले के राजगढ़ तहसील की यह बड़ी खबर है। अपने दर्शकों को बताया कि आरोपी डकैत लक्ष्मी चंद को गिरफ्तार कर लिया गया है घायल अवस्था में, और ये बड़ा डकैत माना जाता है, यूपी के गाजियाबाद का रहने वाला है। इससे पहले इस मामले में 5 बदमाशों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है, और अब ये जो मुख्य आरोपी है उसे आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस एनकाउंटर में डकैत को गोली लगी और घुटने से आर पार हो गई। इसकी लंबे समय से तलाश चल रही थी। पुलिस ने 9 टीमों का गठन किया था और कुल मिलाकर 50 पुलिस अधिकारी और तमाम यहां पर टीमों के सदस्य मौजूद थे, जो आखिरकार इस मुख्य आरोपी को पकड़ने में कामयाब रहे हैं। मनोज हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, कितनी बड़ी सफलता कही जा सकती है लक्की को गिरफ्तार करना, और कैसे एनकाउंटर हुआ, कितने घंटे एनकाउंटर हुआ, क्या पहले से इनपुट यहाँ पर था या फिर अचानक से यहाँ पर धरपकड़ शुरू हुई लक्की? मनोज जी, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि चुरू पुलिस की एक बड़ी सफलता है, जहाँ वारदात के 12 घंटे के बाद ही पुलिस के द्वारा और जो डकैत है, जो आरोपी है, उनको गिरफ्तार किया गया। इसको हालांकि इसके अंदर एनकाउंटर करना पड़ा, जिसके अंदर एक आरोपी है वो घायल भी हुआ है, और जिसको चुरू का जो राजकीय भर्ती जिला अस्पताल है उसके अंदर भर्ती भी किया गया है और वहां उसका इलाज हो रहा है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में जो 6 आरोपी थे, 6 के 6 आरोपियों को दबोच लिया है, जिनमें 5 को गिरफ्तार कर लिया गया और जो 6ठा व्यक्ति है जो कि घायल है उसको बाद इलाज और गिरफ्तार किया जाएगा। तो काफी बड़ी जो सफलता है वो पुलिस को मिली है। ग्रामीणों का सहयोग है, वो काफी जो सहयोग कहा जा सकता है वो पुलिस को मिला। साथ ही क्योंकि एक व्यक्ति को जब वारदात को अंजाम दिया गया था, डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था और जाग हो गई थी, उस वक्त ही एक आरोपी को तो ग्रामीणों के द्वारा ही पकड़ लिया गया था। उसके बाद एक एक करके और 4 अन्य जो व्यक्ति थे उनको पकड़ा गया, और सफलता दर सफलता है वो पुलिस को मिलती चली गई। क्योंकि बहुत यहाँ पर लगातार कोशिशें पुलिस की तरफ से भी जारी थी, 9 टीमें गठित की गई थी, 50 से ज्यादा इसमें पुलिसकर्मी शामिल थे, और आखिरकार सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है मात्र 12 घंटे के अंदर। यह बड़ी गिरफ्तारी कही जा सकती है, बड़ी सफलता भी कही जा सकती है, लेकिन इन सबके बीच में लक्की का गिरफ्तार होना, इसका बैकग्राउंड क्या है, जरा दर्शकों को ये भी बताइए। बिल्कुल, जो लक्ष्मी है, इस लक्ष्मी के ऊपर दिल्ली हरियाणा और राजस्थान के जो विभिन्न थाने हैं उनके अंदर इसके ऊपर तकरीबन 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज है, जिनके अंदर ये लूट, डकैती, हत्या के प्रयास और इस तरह के जो मामले हैं, संगीन मामले हैं, वो इससे दर्ज है। इसके अलावा इन ये जो आरोपी हैं जो कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के हैं, इनके द्वारा जो वारदात को अंजाम दिया जाता है उसका तरीका ये है कि ये गाड़ी लेते आते हैं और गाड़ी लेने के बाद में साथ में हथियारों से लैस होकर ये लोग आते हैं और किसी घर को टारगेट करते हैं। आखिरकार अब ये सलाखों के पीछे, शुक्रिया तमाम जानकारी मनोज अब तक पहुंचाने के लिए। हमारे संवाददाता चुरू से जुड़े हुए थे। ज्यादा अपडेट देने से कहते हैं कि बड़ी यहाँ पर गिरफ्तारी और बड़ी सफलता प्लस की कही जा सकती है। चलिए बात बीजेपी की करते हैं। दरअसल बीजेपी आज प्रदेश भर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का